हेलो एवरीवन तो फिर कैसे हो सारे स्टूडेंट्स कॉलेज की तलाश में हम एक कॉलेज को बहुत ही ज्यादा अंडर कॉलेज मानते हैं जबकि इस कॉलेज की प्लेसमेंट सुन करके ये बहुत सारी एन इसको भी फेल कर देता है ठीक है ये कौन सा कॉलेज है डेट इज कॉल्ड यार महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि हमारा न्यू दिल्ली के अंदर है तो पता है यार कि ये बहुत ही शानदार कॉलेज है इस कॉलेज के बारे में सारी इसकी कट ऑफ्स को जानेंगे इसकी प्लेसमेंट्स जानेंगे इसकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज फी स्ट्रक्चर ऑल द थिंग्स आर बीइंग कवर्ड क्या हॉस्टल फैसिलिटीज भी है इसमें हर चीज कवर करेंगे पॉइंट टू पॉइंट कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि मैं बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूं या कुछ ऐसा भी नहीं होगा बिल्कुल ही बेकार बोल रहा हूं कॉलेज को जो सच्चाई है वो यहां पे रखने वाला हूं लेकिन उस सबसे पहले एक गुजारिश रहेगी आप लोगों से डेट इज क्या है यार की? यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज चैनल आप लोग सब्सक्राइब करके रख लोगे तो अभी से लेकर जो पूरी काउंसिलिंग चलेगी ऑल ओवर द इंडिया में आपकी जो भी काउंसिल चल रही हो हर काउंसलिंग की वीडियो इस चैनल पर आ रही है जाकर के चेकआउट कर सकते हो सो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो अब यार ज्यादा ना बात करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब

कैंपस जो है कैंपस एरिया 40.5 पॉइंट का है जो कि मैं कहना चाहूंगा बहुत बड़ा कैंपस आजकल के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं आप जाते हो तो आपको लगता है कि यार शानदार कैंपस होता है प्राइवेट कॉलेजेस का उस तरीके का कोई कैंपस नहीं है ठीक है मतलब मैं जैसे उनकी बात करू जैसे सौ एकड़ दो एकड़ ढाई एकड़ ऐसे वाले बड़े कॉलेजेस नहीं है ऐसा कैंपस नहीं है लेकिन हाँ इतने से कैंपस में आपको फैसिलिटीज सारी प्रोवाइडेड है ठीक है आगे बात करेंगे और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे एनआईआर रैंकिंग जो है पिछले साल से थोड़ी बेटर हुई है ठीक है पिछले साल 250 से लेकर 300 के बीच में वेरी करता था लेकिन इस साल जो है 201 से लेकर के 250 के बीच में एन रैंकिंग तो आप क्यों ये बढ़ी है क्यों अच्छी हुई है इसकी प्लेसमेंट्स की वजह से बताऊंगा यार प्लेसमेंट भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चीज आ जाते हैं एडमिशन प्रोसेस की अगर हमें इसमें एडमिशन लेना हो तो फिर कैसे लेंगे सबसे पहली चीज तो आपको यार जेई मेन्स के रैंक पे होने वाला यहाँ पे एडमिशन ठीक है जेई मेन्स के रैंक पे ओके अब जेई मेन्स की रैंक आपके पास है और यहां पे जो काउंसिलिंग होती है वो कौन सी होती है आईपीयू की काउंसिलिंग कौन सी आईपीयू की काउंसिलिंग के थ्रू आप लोग जाते हो यहाँ पे ठीक है आईपीयू के काउंसलिंग के थ्रू आप लोग के एडमिशंस होते हैं यहां बस एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि 85 परसेंट कोटा जो है वो मिलता है हमें जो है दिल्ली वाले बच्चों को दिल्ली वाले बच्चों को 85 परसेंट का कोटा होता है और जो 15 परसेंट सीट बच गई वो बस आउटसाइडर्स के लिए होता है ठीक है आईपीओ की काउंसिल में आपको पता है राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री एंड देन जाकर के आपका बहुत ज्यादा स्पॉट राउंड बहुत सारी चीजें होती है कॉलेजेस इतने ज्यादा हैं उनके अंदर ब्रांचेस इतनी ज्यादा हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो रहते हैं कि मेरे को क्या करना चाहिए बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं ऐसी मिस्टेक्स आप लोग ना करो आप लोगों के लिए हम लोगों ने अपना आईपीयू का काउंसलिंग सपोर्ट निकाल रखा है जिसके अंदर क्या होगा कि आपकी जो पूरी चॉइस फिलिंग है वो हम करके देंगे जो कि बेस्ट चॉइस फिलिंग होगी आपकी रैंक पे पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग होगी ठीक है साथ ही में जाकर के आप सारे फीचर्स रीड कर सकते हो जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर करेंगे जैसे ही आप परचेस करते हो हम आपको थोड़ी देर में कॉन्टैक्ट कर लेंगे

का माफ हो जाएगा तो ये बहुत अच्छी चीजें यहाँ पे इस कॉलेज में है फिफ्टी परसेंट का स्कॉलरशिप हंड्रेड परसेंट की स्कॉलरशिप यानी कि जिन बच्चों के पास राशन कार्ड है वो देखो लगभग उनका बीस तीस हजार के अंदर पड़ रहे तीस हजार के रुपए लग रहे हैं बस तो ये वाली फैसिलिटी मिल जाती है यहां पे। अब जाते हैं के हॉस्टल्स की तरफ कि क्या हॉस्टल तो यस दे हैव प्रोवाइडेड हॉस्टल्स पहले उसकी फीस को डिस्कस करते हैं ठीक है तो अगर हॉस्टल तो तो एसी।, एसी, एसी में वन सीटर चाहिए तो वन लाख एटी सिक्स थाउजेंड एसी के अंदर टू सीटर चाहिए तो वन लाख थर्टी फोर सीटर

मिल जाएगा ठीक है ना तो हॉस्टल की बात करूं तो अच्छे हैं कोई मैं नहीं कह रहा कि बहुत बढ़िया हैं और ये बहुत घटिया एवरेज से हॉस्टल्स आपको मिल जाएंगे तो सारी चीजें आपको वहां पे प्रोवाइडेड हैं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है एसी नॉन एसी सारी चीजें हैं जो जिम की फैसिलिटी है वो हॉस्टल वाले बच्चों के लिए जो हॉस्टल्स के नहीं है उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी जाती है तो हॉस्टल्स यहाँ पे कवर हो गए प्लेसमेंट्स पे आने से पहले यार हम थोड़ी सी कट ऑफ्स को डिस्कस करते हैं पिछले ईयर कितनी कट ऑफ जा रखी है तो सबसे पहले तो हम ब्रांचेस की बात कर लेते हैं कि इस कॉलेज के अंदर कौन सी ब्रांचेस देखने को मिलती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विथ डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सी हो गया कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल हो गया ई हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आई हो गया एंड जाकर के आई टी आई टी क्या हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एम हो गया मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग

होम स्टेट का मतलब क्या है जो बच्चे दिल्ली से यानी कि उन्होंने क्लास ट्वेल्थ जो है वो दिल्ली से पास किया है मैंने बताया एटी फाइव परसेंट का कोटा होता है उन बच्चों का एंड जो है अदर स्टेट के लिए ये कट ऑफ रहने वाली है ठीक है यानी कि जो दिल्ली से बाहर से यानी कि दिल्ली से बाहर से ट्वेल्थ की है तो अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मेन की बात करूं तो यार कंप्यूटर साइंस फोर्टी थाउजेंड तक बच्चों को मिल जाता है फिर द होम स्टेट ठीक है ना एंड अदर स्टेट को यार 28, तक पे ही मिलता है एंड अगर हम नेक्स्ट ब्रांच पे चले तो यार नेक्स्ट ब्रांच अगर मैं किसी एक को ले लू तो जैसे इसी की बात करें तो वन लाख वन थाउजेंड तक ईसी मिल जाता है हमें ठीक है जो कि अच्छी ब्रांच है फिफ्टी थाउजेंड फॉर अदर और बिल्कुल मैं ऐसा बात करूं जिसको बस इस कॉलेज के अंदर एंट्री चाहिए तो एंट्री के लिए आप लोगों के यहाँ मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग लेनी पड़ेगी और वो यार टू लैख सिक्स थाउजेंड पे आपको मिल जाने वाला है तो देख सकते हो यार कट ऑफ कितनी ज्यादा हाई तक भी जाती है अगर आपको इसमें एडमिशन दिल्ली वाले बच्चे हो अगर दूसरे स्टेट के हो तो यार वही चीज एटी पे मिलेगी और सारे आप लोग कट ऑफ रीड कर सकते हो या मैं आप लोगों के लिए एक स्क्रीन भी लगा दूंगा सो डोंट वरी फॉर डैट कैटेगरी वाइज वाला स्क्रीन एक डाल दूंगा मैं ओके तो हमारे

बिल्कुल लेटेस्ट जो हमारा हुआ है, दो बच्चों को मैं यार की बात नहीं कर रहा, एक -एक करोड़ भी चले जाते हैं ऑफ कैंपस की के बात नहीं हो रही ऑन कैंपस कितना प्लेसमेंट होता है, 42 ,00 ,00 आता है यार हमारा माइक्रोसॉफ्ट वो भी दो बच्चों को लेके गया एंड दूसरी चीज सुनोगे ना तो दंग रह जाने वाले हो इस कॉलेज के अंदर जो प्लेसमेंट है ना Literally, यार बहुत मस्त है थर्टी वन लाख का पैकेज बोलूंगी वन लाख ,00 एक आध बच्चे को मिला होगा ना नहीं ट्वेंटी एट स्टूडेंट्स को मिला है हमारा एमेजोन के थ्रू एमेजॉन ने ट्वेंटी एट को रिक्रूट किया यहां से विद द पैकेज ऑफ थर्टी वन लाख पर एनम तो यहां से इस कॉलेज की प्लेसमेंट आपको दिख जाएगी कि कितनी शानदार है ठीक है ना और ये प्लेसमेंट हमारी जो कंप्यूटर वाली ब्रांचेस है जैसे सीएससी हो गया ए आई ए एंड डेटा साइंस कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आई हो गया थोड़ा बहुत ईसी हो गया तो जो ये कंप्यूटर जैसी ब्रांचेस है उनके थ्रू ज्यादा पैकेजेस होते हैं जो लोअर ब्रांचेस उनकी यार मैं बात उतना नहीं करूंगा क्योंकि उनके पैकेज भी ठीक ठाक से होते हैं बट यार मेनली कंप्यूटर साइंस की तो यार एवरेज पैकेज लगभग तेरह चौदह लाख पहुंच जाती है ओवरऑल कॉलेज की यार एवरेज पैकेज दस लाख की अप्रोक्स है टेन टू ट्वेल्व लाख मैं कह रहा हूं क्योंकि दस लाख फॉर द और सारे ब्रांचेस सबको देख लिया जाए कंसिडर और बारह तेरह लाख पहुंच जाती है हमारी सी के अंदर तो प्लेसमेंट तो यार शानदार है देख सकते हो यार कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी अमेजोन जैसी बड़ी कंपनी ये सब यहाँ विजिट करती है एडॉबी नाम लेते लेते थक जाऊंगा इतनी ज्यादा कंपनीज है ओके okay? तो प्लेसमेंट वाइज बहुत शानदार कॉलेज है अगर हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ यार स्पोर्ट्स और फेस्ट के बारे में तो स्पोर्ट्स केयर यार को इतना अच्छा नहीं है पता है यार कैंपस ज्यादा बड़ा नहीं है तो उतना ज्यादा भी नहीं है लेकिन हाँ आपको बेसिक स्पोर्ट्स खेलने को मिल जाएगा डेट इज यार बास्केटबॉल बैडमिंटन टेनिस वॉलीबॉल टेबल टेनिस इंडोर गेम्स हो गए चेस और वगैरह ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी तो इन सब में कोई इशू नहीं है ये सब आप खेल सकते हो फेस्ट की बात करूँ थोड़ा सा तो यार मृदंग करके एक कल्चरल फेस्ट होता है एंड टेक टेक्सर्ज करके टेक वाला हमारा एक फेस्ट किया जाता है ओके okay, पे लाइब्रेरी है इस कॉलेज के अंदर लैब्स आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे तो ऑल द थिंग्स आर बहुत बढ़िया भैया सारी चीजें अच्छी हैं कुछ बुरी भी हैं इस कॉलेज के बारे में कौन के बारे में बात करूं फर्स्ट ऑफ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर जो ज्यादा बड़ा कैंपस नहीं है एक थोड़ा सा वो है दूसरा क्या है कि आपको थोड़ा उतना मजा नहीं आने वाला प्राइवेट की बात करूं तो ये बच्चे सोचते हैं प्राइवेट में बहुत मजा आने वाला है ऐसा कुछ है नहीं ठीक है स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज यार उतनी भी ज्यादा अच्छी मेरे को नहीं लगी ठीक है ना और ये ये जो कॉलेज है मैं बता रहा हूँ सेकंड नंबर का कॉलेज है आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर यूएसआईसीटी फर्स्ट पे आता है सेकंड पे हमारा एमएआईटी आता है बट अगर यूएसआईसीटी से भी अच्छी प्लेसमेंट आपको यहां देखने को मिल रही हैं आप लोग जैसा देख सकते हो ठीक है तो ओवरऑल डेट्स अ डिसेंट कॉलेज थोड़ी बहुत यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है वो है मैंने बता दिया यार जो बच्चों को थोड़ा कौन लग सकता है एंड और सारी चीजें अच्छी है इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप लोग यार कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हो एंड हाँ काउंसलिंग हम लोगों से करानी है जल्दी से ग्रैब कर लो ये ऑफर जो है फर्स्ट हंड्रेड स्टूडेंट्स के लिए खत्म हो जाएगा जल्दी ही और खत्म होने के बाद मैं नहीं चाहता कि यार जो आप लोग यहां तो डेढ़ दो लाख रुपए पे कर रहे हो यहां हजार पंद्रह सौ रुपए के लिए सोचने लग जाओगे तो मेरे को पता नहीं आप लोगों का माइंड कहां पे है ठीक है ना सो so, बस यार ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना फ्री ऑफ कॉस्ट भी वीडियोज आप लोगों के लिए आ रहे होंगे ऐसे रिव्यूज और देखने को मिल रहे होंगे सो बस यार थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जय हिंद जय भारत